कैथल जिले में कोरोना की महामारी ने दस्तक दे दी है। तबलीगी जमात से संबंधित एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह व्यक्ति 8 से 12 मार्च तक निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसके बाद वह दिल्ली की अलग अलग मस्जिदों में अपने साथियों के साथ रहा। 30 मार्च को 4 तबलीगी कैथल वापस आए थे। 31 मार्च को प्रशासन ने चारों को उठाकर आइसोलेशन में डाल दिया था। यह जानकारी आईजी हरदीप दून ने शनिवार को पत्रकारों को दी। ये जो आदमी है ये 8 से 12 तक जो है निजामुद्दीन मरकज में रहा, उसके बाद ये 12 से 30 तक अलग अलग दिन कोई जामा मस्जिद, कई अलग अलग मस्जिदों में इनका 4-5 आदमियों जो ग्रुप था सब अलग अलग घूमते रहे सारे सारे। और यहाँ पे 30 तारीख को ये आया और 30 तारीख को आने के बाद 31 तारीख को इसको उठा लिया। 31 तारीख को उठाने के बाद इसको क्वारंटाइन किया। एक ही दिन है, इसके परिवार में 5 आदमी है, इसका बेटा, इसकी वाइफ, बेटे की वाइफ, एक पोता एक पोती, उन सबको भी हमने क्वारंटाइन में उनको भी सबको कह दिया डालने के लिए, सब क्वारंटाइन में चले जाएंगे। इसकी उम्र जो है 62 साल है। जो ये एक आदमी हमारा जो पॉजिटिव आया है इसकी उम्र 62 साल है और इसका इलाज जो हमारे कैथल सिविल हॉस्पिटल के जो सीएमओ और जो योग्य डॉक्टरों की टीम है वो कर रही है। और जब भी हमें कोई भी डॉक्टर्स की जो राय होगी और होगी हम उसके अनुसार। आईजी हरदीप दून ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन की तबलीगी जमात के लोगों पर समय से कार्रवाई करने के लिए सराहना की। इनका जो घर है और जितने भी मरकज में गए थे उसको भी हमने पूरा सैनिटाइज कराने हैं, पूरा का सारा। उसने ये जिस एरिया में रहता है उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करके वहां भी हम इस पे सारा उसको सैनिटाइज कराएंगे। सारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी हम पालना करेंगे। मैं इस चीज के लिए एसपी साहब को और डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो 30 को आया 31 को उठा लिया। मैं समझता हूं यदि उठाने में एडमिनिस्ट्रेशन कोई नलायकी करता तो ये हमारे लिए और ज्यादा पता नहीं कितने लोगों से मिलता क्या करता। आईजी हरदीप दून ने बताया कि कोरोना की महामारी को रोकने के लिए जिले के गांवों में ठीकरी पहरे की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि महामारी के खिलाफ जंग में प्रशासन को युवाओं का साथ मिल रहा है। कि एसपी साहब ने और डीसी साहब ने दोनों ने मिलकर सारे गांव के अंदर ठीकरी पहरा लगाया है और गांव के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी अधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड के भी, अलग अलग सभी जा रहे हैं और सब उनको गाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं कैथल के नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। नौजवान साथी बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग। आईजी हरदीप दून ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए जलाने के आह्वान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के समय घर की सिर्फ लाइटें बंद करनी है और अन्य उपकरणों को चलते रहने देना है। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक के तमाम अपने घरों की लाइट ऑफ करेंगे, वहां पे दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बैटरी जलाएंगे, मोबाइल जलाएंगे। लेकिन मैं कैथल वासियों को एक चीज और भी कहता हूं कि अपने घरों में सिर्फ लाइट ऑफ करनी है, आपका जनरेटर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका गीजर चल रहा है, और भी जो चीज वो बंद नहीं करनी है। ये ना हो कि भाई कोई लिफ्ट में रुके रह जाए। मेरा ये है कि घर की सर बत्ती ऑफ करनी है और कुछ नहीं है। आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, वो सब चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिले में कोरोना की महामारी की स्थिति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।